अस्सलाम वालेकुम, महजबी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। उसके भी मैंने 800 ग्राम जो है चिकन ले लिया है और इसको धो लिया है अच्छे से। इसका पानी जो है इसमें रखकर निकाल दिया है। और ये 2 चम्मच बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। 250 ग्राम टमाटर लिए हैं और ये फुल क्रीम ली है। ये घर की है, आपके पास अगर घर की नहीं है तो आप डेयरी से मंगा सकते हैं। ये 4 से 5 हरी मिर्च ली है। बाकी जो है ये खड़े मसाले हैं, जो कि ये तेज़पात है, गर्म मसाला है, दालचीनी, जायफल, जावित्री और ये है 2 सफ़ेद इलायची। और बाकी जो है धनिया, हरी धनिया और मिर्च और हल्दी बाद में डालेंगे हम। बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो है मैंने ये कढ़ाई में जो है 2 चम्मच तेल डाल लिया है। और इसको तेल को जो है अब हम गर्म कर लेंगे मीडियम हीट पर। फिर इसके अंदर हम खड़े मसाले डालेंगे। जो है अब हमारा तेल जो है हो चुका है। अब हम इसमें जो है खड़े मसाले डाल देंगे, तेज़पात डाल देंगे। उसके बाद जो डाल देंगे हम चिकन। मैंने चिकन कढ़ाई के लिए जो चिकन जो है मैंने इसमें डाल दिया है, फ्राई कर दिया है। इसको फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। वो थोड़ा सा इसको फ्राई कर देंगे। वो भी मैं डालकर इसको फ्राई कर लूंगी। फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखेंगे हम। अभी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से भून लिया है। इस टाइम पर मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी। नमक जो है आप अपने स्वाद अनुसार डाल देंगे। और इसके अंदर जो है हम ये टमाटर ऐसे डाल देंगे और जो इसकी स्किन है ना ढक कर पकने देंगे। फिर इसकी स्किन जो है ऊपर की वो निकाल देंगे हम। इसमें प्याज नहीं जाएगी। ऐसे करके सारे टमाटर को मोटे करके रख देंगे ऐसे। और इसको कर दूंगी और हल्का सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा। और इसको ढककर पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। फिर देखते हैं हम। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है इस टमाटर की ऊपर की स्किन जो है वो निकाल लेंगे फॉर्क की मदद से। सारी स्किन जो है ऐसे निकाल देंगे हम। स्किन इसके ऊपर ऊपर की जो हार्ड होती है स्किन वो निकाल लेंगे। अब जो है मैंने टमाटर की सारी स्किन निकाल ली है। अब हमें इस टाइम पे जो है मसाले ऐड करेंगे। थोड़ी सी इसमें डालेंगे ना हल्दी, थोड़ी सी डालेंगे। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के धनिया सूखा पिसा। और मिर्च जो है इसके अंदर डालूंगी मैं 1 चम्मच। अगर आपकी तीखी मिर्च है तो आधी चम्मच भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको जो है चला दूंगी। अभी इसको और पकने देंगे जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। फिर हम इसके अंदर क्रीम और ऐड करेंगे। मसाला जो है हमारा बिल्कुल भुन चुका है। अब हम इस टाइम पे जो है इसके अंदर क्रीम ऐड कर देंगे। पानी बिल्कुल खुशक हो गया, मैंने अच्छे से मसाला भून लिया है। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। इसको जो है थोड़ा सा चला लेंगे। मतलब मैंने आधी कटोरी क्रीम ऐड की है। अच्छे से इसको मिला लेंगे।
और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा भुना हुआ गरम मसाला, और ये तीन से चार हरी मिर्च है मैंने कट लगा कर डाल देंगे। अब आपको जितनी इसके अंदर ग्रेवी रखनी है उतना आप पानी डाल सकते हैं, और इसको 10 मिनट तक हम इसमें मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे, फिर हमारी जो है बनकर तैयार हो जाए। इसको जो है 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बनाऊंगी। 10 मिनट हो गए इसको बनते हुए, देखिए पानी इसके अंदर जो है बदल आ चुकी है। अब हम इस टाइम पे जो है इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। हमारी चिकन कढ़ाई जो है बनकर तैयार हो चुकी है। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।